कि why I started vlogging या तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड के पेपर गवर्नमेंट ने एक मेरा भैया थे उन्होंने बोला था कि तू पायलट बनियो। वेलकम बैक टू एम भाई साहब, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो गए मेरे को। एंड देखो ये सब उसके बाद से हटाने ना दिया और ना हटाया, क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि खुद ही फूट जाएगा खुद ही, और फिर उसके बाद देखो वैसा कुछ लगेगा। कहाँ है वो रहा ना, वो लाल वाला जो फूटा है वैसा कुछ लगेगा। बट देन आज की शुरुआत बहुत ही जल्दी हुई है, अभी बज रहे हैं 10 और टुडे इज 4th of June। एंड भाई सुबह सुबह उठ के मैं जो कह रहा था बड़े दिन से कि वो मिली वाले रूम की सफाई करनी है, वो मैंने सफाई कर ली। एंड उसमें हमें दो तीन चीजें हमारी पुरानी बचपन की मिली है तो वो मैं दिखाऊंगा। बट देन उससे पहले ये वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, भूखे पेट भजन ना गोपाला, भूखे पेट हो ना भजन गोपाला, भूखे पेट हो ना भजन गोपाला, वैसा ही कुछ है। मतलब मैं नहा धोकर तैयार होकर बड़ा ही गंदा सा हो गया था, तो मैंने सोचा नहा वालू उसके बाद आज व्लॉग शुरू करेंगे। एंड एक व्लॉग हमारा बना पड़ा है, वो मेरे आपके लिए फनी है बट मेरे लिए एक हादसा था या एक धोखा समझ लो, तो वो एडिटिंग पे नहीं गई है वीडियो। तो बता देना, अगर कमेंट में बता देना गाइस कि अगर वो वीडियो भेजनी है तो आप लोग कहोगे तो मैं वो एडिट करके डाल दूंगा ना डिलीट कर दूंगा। देन अभी ऐसा करते हैं, बढ़िया सी एकदम लजीज सी मैगी बनाएंगे, और हमारी मैगी ऐसी नहीं होती, बड़ी क्रिएटिव वाली मैगी होती है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा नहीं, आप देखना। कौन भी जानता है, सब सबको ही इस पे राजी करेंगे कि भाई एक पैकेट मैगी जो होती है वो कभी भी किसी एक बंदे के लिए काफी नहीं होती है, एंड दो पैकेट मैगी जो होती है वो इनफ हो जाती है, मोर देन इनफ हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि अपनी मैगी जब बनती है तो बहुत ही क्रिएटिव बनती है, और वैसा ही आपने देखा भी, तो अपनी क्रिएटिव मैगी इस तरीके से बनती है कि हमने मैगी में डाला जो टेस्ट एनहेंसर होता है वो तो डाले ही, बट उसके साथ साथ हमने डाला शेजवान सॉस, एंड उसके बाद मैंने डाला उसमें जो तंदूरी मेयोनीज होती है वो डाली। एंड उसके बाद ये बढ़िया बढ़िया सी बन गई है, एंड हम अब इसका कर लेते हैं सेवन। देन उसके बाद रोज मेरे को यश फोन करता था जब मैं मेरा सीप, बाद में बात करते हैं, यश को फोन करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जब मैं एडिटिंग करने बैठता था तब अपने को पता चलता था कि अपनी आवाज़ तो आ रही है बट उसके साथ साथ अपने घर में जो पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ भी आ रही है, और वो चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही थी। तो इसलिए अब आप लोगों से मैंने कही माउंट दिलवा दो, बट माउंट आप लोगों ने नहीं दिलवाया यार। तो उसके बाद से हमें ऐसे ही माइक को यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब मैं ऐसे ट्राइपॉड पकड़ता हूँ और उसके नीचे ये देखो उसके नीचे माइक पकड़ लेता हूँ, तो अपने को एक हाथ से मल्टीवर्क करना पड़ रहा है। 8 बजे तक हमने सफाई वफाई की, और उसके बाद मैं आपसे बता रहा था कि हमें जो थी वो एक दो हमारे बचपन की चीज़ें मिली जो कि मैंने देखा, भाई मुझे लगा कि मैं बचपन में, पहले तो मैं बचपन में बड़ा ही क्यूट दिखता था ये मुझे आज पता चला। देन उसके बाद हमारी ना मेरे को एक कॉपी मिली अपने बचपन की, मतलब वो है फर्स्ट क्लास की कॉपी, मैं दिखाऊंगा अभी ला कर दिखाऊंगा, वो सारी ऊपर रखी हुई है, वो साफ़ सफाई की, कबाड़ वबाड़ निकाला तो वो मैंने अलग निकाल के रख दिया, तो वो मैंने निकाल लिया और उसमें बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखी हुई थी। तो एंड तक देखना, मैं एंड में दिखाऊंगा वो। एंड उसके साथ साथ मेरे को एक काम भी था जनरल स्टोर में, जो कि मैं चैनल वीडियो की शुरुआत नहीं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो अपने को वो प्लानिंग नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा कि यश बुला रहा है
चल लेते हैं। ना क्या है? नहीं। तेरा भाई सुबह सुबह नहा लिया, सुबह सुबह 8 बजे कमरा वमरा साफ करके अब तू लेके आ सकता है, ठीक है? जब मर्जी तब। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड के पेपर गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। जाओ जाना है तो बोर्ड के पेपर जो है गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं। तो मैंने यश से पूछा कि तू क्या करेगा भाई 12th के बाद, जैसे हम दोनों को सरकारी रूप से पास कर दिया गया है तो तू क्या करेगा? तो इसने कही कुछ नहीं कही। मैंने फिर इसको बताया कि भाई तेरे भाई ने, क्योंकि मेरे से वहाँ पूछ रहा था कि तुम्हें तुम्हारा एडमिशन कराना है तो कैसा क्या क्या सीन है मेरे को बता देना। तो मैंने कल रात में सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ 3-4 महीने अपने बस से बाहर की चीज़ें सोच ली। जैसे मैं सोच रहा हूँ, कल मैं रात में सोच रहा था कि UPSC के एग्जाम देके IAS बन जाता हूँ। थोड़ी देर बाद उसके बारे में जब जांच पड़ताल की, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे क्या होता है, मैंने कि रहन देते हैं। थोड़ा ऊंचा जा रहा हूँ, रहन देते हैं, नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने सोची कि पहले तो मेरे को बचपन में मेरे को एक मेरा भैया थे, उन्होंने बोला था कि तू पायलट बनियो, पायलट बढ़िया होता है। बट उसके बाद मैंने देखा कि उसमें भी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है, एंड उसके बाद भी आपको कैडेट कोर्स करने के बाद कुछ ऐसा वैसा होता है, मतलब उसमें भी काफ़ी भांग हुआ है, तो उसका ये मैंने ड्रॉप कर दिया। बट देन भाई उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि भाई मैं लॉ कर लेता हूँ, हैं तो लॉ के बारे में भी हमने पढ़ा, लॉ के बारे में भी काफ़ी छानबीन करी उस हमने। उसके बाद हमें पता चला कि ये भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, एंड उससे पहले मैं 5-6 साल से मैंने पूरी मन बांध रखा है कि मैं BHM करूँगा, होटल मैनेजमेंट करूँगा। एंड उसके बाद जब मैं 4 साल पहले अमन से मिला तो अमन का भी कुछ यही कहना है कि वो भी चाहता है कि वो भी होटल मैनेजमेंट ही करें। BHM में अभी का सिचुएशन देख के तो कोई भी नहीं, बहुत ही कम स्कोप लग रहा है, एंड लॉ इज़ अ गुड ऑप्शन। तो भाई ऐसा तो हमेशा से है कि अगर आप सोने जाओ और उसके बाद आप एक घंटे का अलार्म लगाओ या 1.5 घंटे का लगाओ तो आप कभी 1.5 घंटे पे उठोगे नहीं, या 1 घंटे पे आप एक्स्ट्रा ही उठोगे। बट देन जो टॉपिक है वो आज का वो क्लियर कर लेते हैं, तो चलते हैं। एंड गाइज आज का जो टॉपिक है जो आप देख के आए हो वो शुरू करते हैं, एंड बता देता हूँ मैं, बहुत ही अवेटेड और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला वो क्वेश्चन था कि why I started vlogging या what will I do after 12th। तो after 12th का तो मैंने आपको बता दिया, बट why I started vlogging मैंने नहीं बताया। तो भाई 22 दिसंबर की बात है जबकि मैंने पहला अपना वीडियो डाला था चैनल पे। मैं दो व्लॉगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ एंड उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, तो मैं देखता था एंड उनकी जो वीडियोस होती थी उसके बाद उसमें जो कमेंट्स पड़ता था इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे। एंड भाई ऑफकोर्स अगर आपका एक कम्युनिटी बन जाएगा तो उसके बाद आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो आपको प्यार देने के लिए तैयार रहेंगे। तो जब मैं देख रहा था उसके बाद मेरे को एक रात, मतलब 22 दिसंबर को अगर मैंने वीडियो डाली होगी तो मेरे ख्याल से 18 या 19 दिसंबर को मैंने एक वीडियो देखी। 17 साल का एक लड़का व्लॉगिंग करता है, बढ़िया बात है व्लॉगिंग करता है, लेकिन उसने लिया एक अपनी जो उसका ड्रीम था जो भी होगा वो उसने ड्रीम कम ट्रू कर लिया, समझ रहे हो ना? जब मैंने बता दिया आप बार बार एक्सप्लेन सब डीप में नहीं बताऊँ। देन मैंने सोचा कि भाई ऐसा कुछ हमें भी करना चाहिए, एंड अगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब डजेंट गिव्स यू गारंटी, कभी यूट्यूब आपको गारंटी नहीं देगा कि आपका चैनल आगे बढ़ेगा। लोग मेरे से पूछते हैं भाई आफ्टर 12th क्या तू इसी को अपना करियर बनाएगा? मैंने कही कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को मज़ा आ रहा है। पहले मैंने ये देख के शुरू किया था, मैंने कई वीडियोस में बोली है शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है, तो मैंने देख के शुरू किया था बट अब मेरे को मज़ा आता है। एंड सीरियसली कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो नहीं करते कर लेना,
कल मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक वो डाला था कि भाई मैं ना 2-3 दिन से बोरियत सा फील कर रहा था, तो मुझे कुछ बताओ जिससे मैं बोर्डम भगा सकूँ। तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द लोग ने बोला कि भाई व्लॉग्स बनाओ या भाई व्लॉग बना यार। तो अपने को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि भाई अपना अपने व्लॉग्स में जितनी भी जनता है अपनी, उसमें लोग अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं और उनको इंटरेस्ट आ गया है व्लॉग्स में। देन उसके बाद भाई ऐसा हुआ कि अपने को अच्छा लगा, एंड उसके बाद मोटा मोटा मुझे जो समझाना था कि आप लोग पूछ रहे थे इतने बार से, मैं जब भी स्टिकर पे रिस्पॉन्स करता था या ऐसे सामने में मुझे कोई मिलता था तो वो बोलता था भाई तूने व्लॉगिंग एकदम से ही शुरू कर दी, क्यों कर दी ये वो, तो वो मेरे को मोटा मोटा समझाना था। शायद आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा या बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैंने मोटा मोटा बता दिया जो है वो अपना आ गया है। कैसे हो यश बाबू? नहाया नहीं है, इसको मैंने बोला था घर जाकर नहा लिया। बट इसका रिएक्शन लेते हैं, जो मैंने आप सबको बताई थी कि मेरे बचपन की 2-3 चीज़ें मिली हैं, उससे इसका रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, बढ़िया सा रिएक्शन दिया एकदम। तो भाई ये हमें हमारे कुछ आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं जब हम छोटे थे तब के, बड़े से छोटा बड़े क्लास से शुरू करते हैं ये ले। तू है भाई, मतलब ये तो बिल्कुल दूसरी दिखाई हो। कौन सी क्लास की? ये है 5th क्लास की और ये वाली है 6th क्लास। फिर अब ये ले। दिखा दे भाई बंदों को भी दिखा दे। अबे कौन सी क्लास की है? 3rd की। तू सही में मीम वर्ल्ड है भाई, कमाल है। ये देख कहाँ गया ये देख। सही फोटो आएगी ना यार। लेकिन अभी एक और है, एक मेरी बुक भी है, अरे कॉपी है बचपन की 1st क्लास की, वो मिल नहीं रही है, उसको ढूंढते हैं मिलके। क्या चीज लिख रखी है मैंने, पूछ मत। देखो पहले ये देख, अभिषेक 1st क्लास हिंदी, ठीक है, ज्यादा भरी भी नहीं है कॉपी, पता नहीं क्यों भरी नहीं है। देख, आम के बारे में 3 शब्द, आम बड़ा मीठा होता है, आम फलों का राजा है, आम मुझे बहुत पसंद है, बस आम के बारे में ये 3 चीजें। 3 शब्द तारीफ के, आम फलों का राजा है, आम मुझे बड़ा पसंद है, खत्म, टाटा बाय बाय। बट इसी के साथ हम करना चाहेंगे आज का व्लॉग एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आई तो मेक श्योर करना कि लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे बता देना वो वाली वीडियो डालू कि नहीं, ठीक है, जो आपके लिए फनी है बट मेरे लिए, मेरे को उसमें धोखा वोखा हो गया था, तो बता दे, ठीक है। जय श्री, एज आई ऑलवेज से, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अबे यार, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अरे यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग।